केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय नज़दीक आते ही धाम में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि धाम में पीएम मोदी द्वारा किए गए शिलान्यासों के प्रथम चरण के कार्य पूर्ण हो गए हैं और अब दूसरे चरण के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। धाम में संगम के मुख्य चबूतरे पर पहाड़ी शैली के तराशे गए 40,000 पत्थर बिछाए जाने हैं, जिन्हें तराशने के लिए कारीगर राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड से बुलाए गए हैं। देखिए, जो हमारा मुख्य कार्य है कि मुख्य अक्ष का निर्माण कार्य, जिससे कि केदारनाथ मंदिर के स्पष्ट दर्शन हो, वो कार्य आजकल चल रहा है और उस कार्य के लिए सेकंड फेज में लगभग फर्स्ट फेज का कार्य पूरा हो चुका है। उसमें खुदाई पूरी हो चुकी है, फर्स्ट लेयर का खड़ंजा WBM पूरा पड़ चुका है। अब मात्र पत्थरों की आवश्यकता है, जो कि स्थानीय पत्थर होंगे। इसके लिए हमारे पास राजस्थान से भी कारीगर आ रहे हैं और भी जगहों से हम कारीगर मंगवा रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के जितने भी कारीगर हैं जो कि पत्थर तराशने का कार्य करते हैं, उनसे भी हम लोग अपील करते हैं कि अगर कोई भी केदारनाथ में काम करने का इच्छुक हो और पत्थर तराशने का काम अच्छी तरह जानते हों, तो उनका केदारनाथ में काम करने के लिए स्वागत है। लेकिन समय कम होने की वजह से कारीगरों की संख्या कम पड़ती जा रही है। वहीं DM ने पूरे देश भर के कारीगरों से केदारनाथ धाम में पहुंचकर पत्थरों को तराशने की अपील की है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में धाम में कपाट खुलने से पहले प्रशासन मुख्य कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। पंजाब केसरी TV के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।